करी मेरे सियाहरन की तो तेज कबूना मैं टुकड़ा हूँ राम लखन जा पंपात को मार लौट कर अपने आऊ। मंत्रीवर जी सरकार सुनाइए क्या समाचार है। सरकार आज के युद्ध में महाराज मेघनाथ ने लक्ष्मण जी के शक्ति मार कर मूर्छित कर दिया है। वाह ये तो बहुत अच्छा हुआ तो मार डालेगा और बांधों को लाखों सब खा जाएंगे। महाराज कहो एक और बात है। क्या बात है महाराज कहिए। हनुमान जी सुसैन पैर की बताई हुई संजीवनी बूटी को लेने के लिए जा रहे हैं। अगर वह रात रात में आ गए तो लक्ष्मण जी जीवित हो जाएंगे और अगर सूरज निकल आया और लक्ष्मण जी खत्म हो जाएंगे। ये हनुमान मेरे सभी कामों में बाधा डालता है। जिस काम को मैं बनाता हूँ उसी को ये बिगाड़ डालता है। अब मैं चलता हूँ हे मंत्रीवर अब कालनाम के पास चलते हैं। ठीक है सरकार चलिए। अरे दो तपसी बच्चों ने आकर और पंच बची गंती की नहीं कर दूसरे कृष्ण मार दिए श्री सुपर खाना ठीक नहीं। और वो दोनों भाई अपनों को बहुत बड़ा बलवान समझते हैं। बलवान है जमीन तो मार दियो। और वो अवध के राजा दशरथ के पुत्र हैं। आखिर हम देखा चाहो है कारण हाँ। आज के युद्ध में पुत्र मेघनाथ ने लक्ष्मण को शक्ति मार दी। ये तो बहुत बुरा हुआ है कारण है। देखिए बुरा हुआ या अच्छा हुआ। बुरा हुआ है कोई आदमी मर जाए। बुरा हुआ या अच्छा हुआ भाई के घर जाके कैदियों का एक आदमी मर है कारण ये बता ये बुरा हुआ या अच्छा हुआ। कैसे कहते खामो खा जो मर जाए वो कहते अच्छा है वो
बोले अच्छा हुआ भाई, बोल दे ब्रो भाई आगे बताओ। और हनुमान सुसेन वेद को उठा करके रामाधर ले गया और सुसेन वेद ने ये दवाई बता दी है, द्रोणागिरी पर्वत पर संजीवनी नाम की बूटी है। तो हनुमान संजीवनी बूटी लेने जा रहा है, अगर वो रात रात में आ गया तो लक्ष्मण के प्राण बच जाएंगे, इसलिए तुझे जा करके हनुमान का रास्ता रोकना है जिससे कि वे रात रात में बूटी नहीं ला सके। इसके बाद ही सुबह खा करे बिना मौत काल में मर, रात में तकरार आ गए घुमार, खीर खाए ब्राह्मणी फांसी चढ़े से कहीं ना देखियो तो यहाँ आके देख आकर रही वहां सुन पड़कर काय को गई चांदनी चौक में घूम रही। अगर भूई रुक जाती तो आज के कलेश काय को हो, तो जिसने आपके होते हुए बगीचे को उजाड़ दिया, जम्बू माली को अच्छे कुमार को मार दिया, तो काल ने उसका क्या रास्ता रोकेगा। मारा आप अज्ञानता का सुने मनुष्य समझे बैठे हैं। उन्होंने जनकपुर में आप जैसे योद्धाओं का धनुष यज्ञ में मार मार दिया था, फिर भी आप उन्हें मनुष्य समझे बैठे हैं। बस कर लेगा खामोश हो जा, घर नहीं चलेगा साथ मेरे तो सारा ज्ञान भुला दूंगा, बूटी लाने से पहले हम लोग तुझे पहुंचा दूंगा। है खामो खाकी बात, अरे तुम्हारे यमलोक जाने को बाद सुबह खाए डर हो तो वो चांदनी चौक में काय को घूमने को गई, गुना जाती कलेश राव तो हमें तो पहुंचा रहे हो है? अरे वही तो कहते हो जाकर के दरबार मार दूंगा अभी कलेश खत्म। जो भी मिलता है पूरा ज्ञानी ही मिलता है, सब अकल देने वाले मिलते हैं। अच्छा काले में ये बता तू जाएगा या नहीं, तो जबरदस्ती है तो जावे वो ना जावे वो, अरे काई के झोरे हम कई काम को जहाँ खातिर करें खुशामत करें रिश्वत दे में मना में वह जावे के ना जावे तुम्हारा दंड चाहिए वो पे। अरे जिस राम की गाथा गाता है वो मुझसे क्या लड़ पाएगा, रण में मेरी शकल देख रहे भाग्या से जाएगा। कुंभकर्ण और मेघना जब रण में हल्ला बोलेंगे, भानु बानर तो चीज क्या दिखपाल दलक भी डोलेंगे, नाम अमर होगा तेरा और तू सुपुत्र कहलाएगा, नवरंग तेरे नाम के और नए नए फूल खिलाएगा। हमारे जाएगा या नहीं, समुद्र है जाएंगे, बुढ़े थे जवान है जाएंगे, तेरा नाम अमर हो जाएगा। अमर काय को जाऊंगा मर जाऊंगे, कोई नाम है देख लो हमारे मरने के बाद में तो अमर होते हैं काल ने, हमें कहा पता लगेगी अमर है रो का है रो है, हम तो गए काम को हम तो इसके रंग ना उसके रंग तो चूटिया मरवा दिए हम तैयार बैठे। और सुन काल ने अगर तू सूरज निकलने से पहले हनुमान जी को रोके रखेगा तो तुझको हनुमान का इनाम दिया जाएगा। रोकने को वो पे कोई जंजीर है बरैया में बांध लो, किसी ना किसी तरकीब से तुझे रोकना है, वह इनाम पहले ही दे दो कथा तो ताकत सी पर जाएगी जमीन तो। अच्छा अब हमारे पटक दियो में उठा के तो हम तो गए काम थे, इनाम भी गए और हम भी गए। सही बात बोले काल ने, हाँ सोच लो अपने घर पूछ रहे, हाँ घर पूछ रहा हो जाकर, हाँ आखिर मरना हो कोई मामूली बात थोड़ी है। सही बात है, हाँ महाराज घर से खबर आ रही है, कहिए कहीं मत जाओ। मेरी तेरी बकवास मुझको पसंद नहीं है,
नहीं 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 और कर पाए। और तेरे घर से क्या खबर आई है ये बतला कहिए। हाँ होती रचा काजल बिंदी होती रचा तेरे द्वारे पे खड़ी ठीक है वो भी दिए। और बतला दो तोले चावल
दो तोले चावल, अब एक बात है, दो तोले चावल का क्या करोगे? बढ़िया भाई, खीर खावे हम ऐसे थोड़ी है। अच्छा, दो तोले चावल और दूध 100 बीघा और चावल 2 तोले। अच्छा चलो दिया, 80 बोरी जीरे की मतलब एक ट्रक जीरा भर के उसका क्या करोगे? वो मैं छोंक लगाओ मिस्टर किशन पर। अच्छा छोंक लगाओगे जीरे का? अच्छा, और 5000 बजरबानी है? 5000 बजरबानी क्या करो? 5000 बजरबानी जो खाना पकाऊंगी और फिर चौसे हमें खिलाऊंगा। 5000 बजरबानी 5000 बजरबानी का क्या करोगे? हमारे हाथी उठ रही है खीर या थारी, कोई तो उठा के हमारे मोहते लगाऊंगी। अच्छा वो तो मैं खाना खिलाऊंगी। अच्छा 5000, चलो वो भी मिल जाएंगे। और एक और है हमारी तमन्ना। हाँ, वो दिल्ली वाली है ना। चल तो बताओ, 5000 बजरबानी के नाम तो बड़े खुश है रहे तो, और एक दिल्ली वाली के पीछे तुम्हारा दम निकल रहा है, 5000 में दिएगा तुम तो छोड़ देंगे? कर ले ये बात, 5000 पूर्ति है जाएंगे। जब हमने तेरे को 5000 वादा कर लिया देने का, तो एक की क्या जरूरत है तुझे? एक तो तेरे घर में है। अरे तुम तो चुरा चुरा के ला रहे हो, तुम्हारे घर में ना है, तुमने घर की चुरा चुरा के ला रहे हो। तेरे घर में भी एक है ना, हम तो मोहते मांग रहे हैं। अरे तो मोहते मांगी तो 5000 दे दो थी तुझे। अरे उनमें तो एक तुम रख लियो, हमें तो दिल्ली वाली है, दे दो बस। अब तैयार हो जा, अब ऐसे काम नहीं चलेगा। तय कर लियो, अभी काम ना चले बिना दिल्ली वाली के लिए तुझे जाना होगा। बिना दिल्ली वाली के जाएगा तो सही, माला डाल के जाएगा तो। अब जाए महाराज, जब आदमी कोई मरे ना तो अभी सब इच्छा पूरी करे, वजह सीटी मत मारे। हम ऐसे नहीं है जो किसी की सब इच्छा पूरी करेंगे। कोई मरे तुम मर के देख लो, हम लंगाधराज रावण है रावण, हम किसी की इच्छा पूरी नहीं करते हैं। हमारे काम में फोन कर दे फिर। चल तैयार हो, ये बड़ी आप हमारे सब ना इंसाफी काय को हो। एक ही 2.5 घंटा है गए मुंह मारते मारते, लौट लौट फिर के वहीं आ जा, और दिल्ली वाले के खसमान देख रहे हैं सगरे कमेटी वाले। अरे काल ने एक भी फूटे से मुंह में तो यूं ना कह रहो कि ठीक कह रहो। चल मन में लिया तो तैयार हो जा। देखो माला, और एक तमन्ना है मेरी बस मैं उनको अपनाऊं। कौन को? दिल्ली वाली को। एक तमन्ना है मेरी बस मैं उनको अपनाऊं, शादी उन्हीं से हो मेरी चैन, शादी के दिन मर जाऊं। कन्हैया मुझे हरी हरी चूड़िया, कन्हैया मुझे हरी हरी चूड़िया। अरे गाना बजाना बंद कर और अपना कार्य कर जो मैं कहता हूँ। जाइए हनुमान का रास्ता रोकिए। देखो बच्चा, राम और रावण का युद्ध चल रहा है। आज के युद्ध में मेघनाथ ने लक्ष्मण की शक्ति मार दी है, और सुसैन वैद्य की बताई हुई बूटी लेने हनुमान जा रहा है। महाराज यह आपको कैसे मालूम हुआ? बच्चा हम अपनी योग माया से सब कुछ देख सकते हैं। महाराज फिर तो आप मुझे भी जानते होंगे। क्यों नहीं जानते, तुम्हें जानते हैं। तो बताइए मेरा क्या नाम है? हनुमान। और मेरी माँ का? अंजनी। और मेरे पिता का? पवन। धन्यवाद महाराज। महाराज मुझे प्यास नहीं है, यह
आपके पास थोड़ा जल हो तो मुझे फिराइए। अब मारा जाएगा बंदर का बच्चा। अब गया काम थे, रास्ता रोकने की भी जरूरत ना। अब गया काम थे और अपनी प्यास बुझाओ। ये तो थोड़ा है, ऐसे मेरी प्यास नहीं बुझेगी। अरे बच्चा, तूने हमारे जल का निरादर किया है, इसमें से तो बहुत से राजा महाराजाओं की सेना पानी पी गई और ये जल फिर भी बचा रह गया। मालूम होता है तू निगुरा है। हाँ महाराज, मैंने अभी तक कोई गुरु नहीं बनाया है, मैं आपको ही गुरु बनाऊंगा। अच्छा, तो मेरी कुटिया के पीछे जाओ, वहां तालाब है, पानी पियो और फल खाओ। बहुत अच्छा। कोई संत नहीं है बल्कि रावण का भेजा हुआ एक राक्षस है। आप अपना समय ना बिताओ और इसे मारकर आगे बढ़ो। अपने गुरु दक्षिणा दीजिए और मुझे चेला बनाइए। अच्छा, दिन निकलने दो, अब आराम करो, सुबह तुम्हें गुरु दक्षिणा दे देना, जब भी तुम्हें चेला बना लो, अब आराम करो। नहीं महाराज, अभी इसी समय आप मुझे दीक्षा दीजिए और दक्षिणा दीजिए। पागल ने कह दी थी यार, जब तो चुपचाप चलोगे वो, अब तो कर लो बतला रहो। महाराज, हमारे कुल की यही नीति है कि इस हाथ लेना और इस हाथ देना। आप अपनी दक्षिणा लेने के लिए तैयार हो जाओ। हाथ में ही दे दे। नहीं, आज मैं देखो छबरा में नहीं, और हाथ में ना, आपके सिर में। सिर में? Bravo.